बालाजी फॉर यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भोलेनाथ का भंडारा कदमतर मिर्जापुर। एकदम आवई छे अंकल। ये भंडारा हर 3 साल पुरुषोत्तम महीना में मनाया जाता है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ और होता रहेगा। मांग के प्रसाद था। तो पर अभी तो बड़ा आगे निकाल दिया चला आया तू बता दे बिना शादी कर चला जा वो पता हो जे वो बने के तू तू आ रहा है काम पर जा के 8 बजे हां मैं घर जा रहा हूं हां मालूम कर रहा हूं आज के दिन मालूम कर रहा हूं अरे वो ही क्या आवत है ना आ ले पहले ये देखिए हमारे मोहल्ला के श्री सूरज वर्मा जी हैं और भाई साहब हैं। ये लोग इस मंदिर के रखवाली और पूजा पाठ भी सहयोग करते हैं और हमेशा होता रहता है और इन्हीं से कुछ जानकारियां हासिल किया जा सकता है। सूरज जी, ये जो प्रसाद वितरण और भंडारे जैसा रूप है, ये मंदिर में जो है कि हर साल कराते हैं कि आप लोग ऐसे कोई प्रथा या नहीं, कोई नहीं नहीं, ये हम लोग हर 3 साल पर कराते हैं। 3 साल पे? हाँ, पुरुषोत्तम मास महीने में। अच्छा। और इसके पिछले 3 साल में जो हम लोग कराए थे तो वो बहुत भव्य भंडारा था। अच्छा। लेकिन इस बार कोरोना का वैश्विक महामारी चलने के कारण जी हम लोग सिर्फ प्रसाद वितरण कर रहे हैं। एक चूँकि मास महीना है जी, इसलिए हम लोग खाली प्रसाद वितरण कर रहे हैं। एक 3 साल पर आता है तो भोलेनाथ का श्रृंगार हम लोग कराएँ जी, प्रसाद वितरण कर रहे हैं और प्रभु से हम लोग मोहल्ला वाले जो भक्तगण हैं सब मिल के सहयोग किए हैं जी। इसमें जो जिसकी श्रद्धा थी उसने प्रसाद चढ़ाया है जी, सहयोग दिए हैं और उसके साथ हम लोग प्रभु शंकर जी से प्रार्थना किए हैं कि हे भोलेनाथ, जैसा कोरोना जैसा महामारी वैश्विक महामारी न आए न हो, इसलिए
हम लोग प्रभु से पुनः प्रणाम करते हुए और प्रसाद वितरण करते हुए हम लोग बहुत खुश हैं और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि ऐसी वैसी महामारी न आए। चलिए ठीक है, भोलेनाथ कृपा करें, ऐसी बीमारियां और ऐसी महामारियां जो है दूर रखें जी। भक्त अगर आप लोग से खुश रहें भोलेनाथ के जी, धन्यवाद।